एक लड़का था, ठीक ठाक घर से था। पता नहीं उसके मन में ऐसी क्या जची कि उसने ठान लिया कि उसको यूपीएससी क्लियर करना है, उसको आईएएस ऑफिसर बनना है। उस लड़के ने जोश में आके बहुत सारी बुक्स खरीद ली, उसने यूट्यूब पर बहुत सारे स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिया, उसने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले लिया। वो नए शहर में सेटल हो गया। उसने अपने पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बता दिया कि कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ही स्टार्टेड हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। उसकी एग्जाम को 10 महीने बचे थे। उसने शुरुआती एक महीने में बहुत जबरदस्त पढ़ाई करी। ही यूज्ड टू स्लीप ओनली 4 hours, 5 hours अ डे, बट द प्रॉब्लम वॉज ही कुड नॉट सस्टेन। उसकी मेहनत केवल एक महीने चली। हिज मोटिवेशन एक्सपायर्ड। वो तंग आ चुका था पढ़ाई से। वो पढ़ाई से इतना चिढ़ने लगा कि वो वापस धीरे धीरे अपने उसी पुराने बोरिंग शेड्यूल में आ गया, एंड ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। ऐसा हमारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में होता है। देखो, जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए मोटिवेशन केवल 1% काम आता है। रेस्ट 99% इज नथिंग बट सेल्फ डिसिप्लिन। फ्रॉम डे 1 टू डे 1000, डे 2000, यू मस्ट हैव टू फॉलो द शेड्यूल। जब एक बॉक्सर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर के आता ना, तो उसके लिए उसका सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए। लोगों को केवल इतना पता लगता है कि कोई है इंडिया से जो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेके आया, बट नोबडी नोज कि उस कुछ ग्राम के गोल्ड मेडल के लिए दैट बॉक्सर सैक्रिफाइस्ड हिज ऑल प्लेजर्स, हिज ऑल कंफर्ट जोन्स। उस बॉक्सर ने पहले दिन से लेकर के 10वीं साल तक वही शेड्यूल फॉलो किया है जिसको कुछ लोग बोरिंग कहते हैं। उसने जंक फूड को छोड़ करके 10 साल तक कार्ब, फैट एंड प्रोटीन, इनके बैलेंस पे फोकस किया है। उसने हर मौसम, हर साल डेली बहुत घंटे प्रैक्टिस करी है, बहुत पसीना बहाया है। ये लोगों को लगता है कि उसने गोल्ड मेडल के लिए गेम खेला है। नो माय डियर, उसने गोल्ड मेडल के लिए नहीं, बल्कि खुद के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये प्रूफ करने के लिए गोल्ड मेडल जीता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहता। ही डिजर्व समथिंग बेटर। अनुशासन आपकी वो क्षमता है जिससे आप वो काम उस टाइम पर कर पाते हैं जब आपको उस काम को करना चाहिए। वेरी सिंपल। और उस काम को करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप उस काम को पसंद करें या ना पसंद। यस माय डियर, दिन में 15 घंटे किताब को सामने रखकर 3 साल तक मेहनत करना एक बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, कोई नहीं करना चाहेगा। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उस बोरिंग काम को कितने साल तक करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। इट डजंट मैटर। फर्क मुझे तो इस बात से पड़ेगा कि मुझे वो काम करना है चाहे कितना ही बोरिंग हो। वंस आई हैव टेकन द डिसीजन, आई हैव सैक्रिफाइस्ड माय सेल्फ टू द सेल्फ डिसिप्लिन। पहले आप डिसीजन बनाते हो और फिर डिसीजन आपको बनाता है। पहले आप सेल्फ डिसिप्लिन के रूल सेट करते हो और फिर सेल्फ डिसिप्लिन आपकी लाइफ सेट करता है। ऐसा लाइफ में बहुत बार होता है जब आप अपने किसी फ्रेंड से काफी सालों के बाद में मिलते हो और वो आपसे बहुत ही बेटर पोजीशन में होता है। उस टाइम पर हो सकता है आपको उस टाइम पर उससे थोड़ी सी जलन हो, बट द फैक्ट इज दैट ही फॉलोड हिज रूल्स ऑलवेज। लोग बदले होंगे उसकी जिंदगी में, बट ही डिड नॉट चेंज हिमसेल्फ। उसने अपने सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाए रखा। व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, वी मस्ट हैव अ क्लियर गोल इन आवर माइंड कि आप करना क्या चाहते हो भाई। आपको उस टारगेट को अनकंडीशनली फॉलो करना है। आज आपको दो चीजों में से कोई एक चीज को चुनना पड़ेगा। फर्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेकंड वन इज रिग्रेट, अनुशासन या पश्चाताप। आप अगर अनुशासन चूज करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट इतना जरूर कंफर्म है कि कभी आप अपनी लाइफ में अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। अगर आज आप अनुशासन चूज करते हो तो इसका दर्द आपको कुछ वीक्स, कुछ महीने या कुछ साल तक हो सकता है, बट इफ यू डेयर टू चूज रिग्रेट, तो भाई पछतावा तो होगा लेकिन इतना बुरा होगा ना कि आप उस टाइम अगर कुछ करना चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सफल होने के लिए दूसरों से ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, समझो इस बात को। आपको सक्सेसफुल होने के लिए दूसरों से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। जब कोई आर्मी में भर्ती होता है ना, तो उसको सबसे पहला अगर कोई पार्ट पढ़ाया जाता है तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एट एनी प्लेस, एट एनी सिचुएशन, एट एनी कॉस्ट, तब जाकर वी विन अ वॉर। और जो हमारी ये लाइफ है ना, दिस इज ऑल्सो नॉट लेस देन अ वॉर। इसमें गोलियां नहीं चलती, खून खराबा नहीं होता, बट अ वॉर इज अ वॉर।
और जिंदगी के इस युद्ध का असली विजेता बनने के लिए अगर आपको सबसे पहले कुछ सीखना है, दैट इज ओनली सेल्फ डिसिप्लिन। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ टू बिकम सेल्फ डिसिप्लिन। स्टेप नंबर वन, सबसे जरूरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए गोल सेटिंग। आपकी लाइफ का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपको क्या लगता है आपको लाइफ में क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है? इज इट योर सेल्फ रेस्पेक्ट? इज इट मनी? इज इट अ जॉब? और इज इट अ रिलेशनशिप? कोई भी आपका लक्ष्य हो, इट डजंट मैटर। स्टेप नंबर टू, मुझे ये काम करना चाहिए। इस वाक्य से निकल के आप इस लाइन पे आइए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। द मोमेंट यू रियलाइज कि आपको ये काम करना चाहिए, यू मस्ट नॉट वेट फॉर एनीथिंग। आपको अपने उस आइडिया पर काम करना शुरू कर देना है एट दैट वेरी 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 फर्स्ट मोमेंट। जो रेस में सबसे पहले स्टार्ट करता है ना, उसके चांसेस भी ज्यादा होते हैं सबसे आगे रहने के, सब्जेक्टेड टू हिज परसिस्टेंस। यानी कि लगातार काम करने की जो आदत होती है ना, वही रेस में सबसे ज्यादा आगे आपको लेकर के जाती है। स्टेप नंबर थ्री, क्रिएट अ डेडलाइन। जब कोई रेस शुरू होती है तो जो दौड़ने वाला होता है उसके सामने एक टारगेट होता है कि वो रेस 100 मीटर की है या 10 किलोमीटर की है। उस रनर की तैयारी और माइंडसेट भी उसी तरह से होता कि वो अपने आप को मेंटली तैयार कर सके। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि किसी भी काम को करने के लिए आपको उस काम को सबसे पहले अपने विचारों में करना होता है। सबसे बड़ा काम होता है किसी भी काम को करने का, पहले खुद को ये समझाना कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं इसी काम को करने के लिए बना हूँ। यू हैव टू विन योर सेल्फ, सो यू मस्ट सेट अ डेडलाइन कि मुझे ये काम करना है और कितने समय में करना है। हो सकता है आपका लॉन्ग विजन हो 10 साल का, हो सकता है आप वहां पर 5 साल में पहुंच जाओ, बहुत अच्छी मेहनत थी आपकी, या हो सकता है आप 20 साल में भी ना पहुंचो, बट रफली यू मस्ट सेट अ टारगेट कि यार ये काम मुझे 10 साल में करना है। स्टेप नंबर फोर, जब आपने एक बार बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया तो अब आपको बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको इतना बड़ा काम करना, आपको इतना बड़ा काम करना, आप कैसे करोगे कैसे करोगे। आपको केवल इस पर ध्यान देना है कि आज के दिन में मैं कैसे उस मंजिल के एक और कदम पास जाकर के खड़ा हो जाऊं। वो जो टारगेट है ना, दैट शुड वर्क लाइक ए मैग्नेट। जो चुंबक होती है ना, वो लोहे को खींचती है अपनी तरफ, है ना। तो वो जो मंजिल है ना, दैट इज मैग्नेट एंड यू आर आयरन माय डियर। आपको केवल आज पर ध्यान देना है, आपको केवल आज का काम करना है। भगवान ना चाहे बट हो सकता है हम में से कई लोग इस दुनिया में 10 साल बाद रहे ही ना, बट हमारे पास आज तो है ना। स्टेप नंबर फाइव, क्रिएट हैबिट्स एज सून एज पॉसिबल। आपको कुछ आदतें छोड़नी पड़ेगी, कुछ बदलनी पड़ेगी और कुछ नई आदतें अपनानी पड़ेगी। आप एक पेपर लीजिए, जानता हूँ बहुत बोरिंग काम, आजकल कोई नहीं लिखता पेपर पे, ठीक है मोबाइल में लिख लो। वहाँ पे आप नोट करो कि आपके अंदर आज की डेट में क्या क्या अच्छी आदतें हैं जिनको आपको और बेटर बनाना है, कौन सी बुरी आदतें हैं जो आपको कम्प्लीटली छोड़ देनी है, और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके फील्ड में बड़े लोगों के पास थी लेकिन आपके अंदर में नहीं है। बिकॉज आपको अगर उस लेवल तक जाना है तो आपको अपनी आदतों में भी बदलाव लाना पड़ेगा। टिप्स नंबर सिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट, बी रिस्पॉन्सिबल, बी ऑनेस्ट। आप चाहे दुनिया के सामने कैसे भी रहो, कैसे भी बनो, आप दुनिया को उल्लू बना सकते हो। यू कैन चीट द वर्ल्ड बट यू मस्ट नॉट चीट योर सेल्फ, बिकॉज आई एम वंस अगेन सेइंग दैट इन दिस 800 करोड़ पीपल्स वर्ल्ड यू आर जस्ट वन हु विल बी विद यू टिल योर लास्ट ब्रेथ। आप एकमात्र वो प्राणी है इस 800 करोड़ की दुनिया में जो आपके साथ में आखिरी सांस तक रहेंगे। तो क्यों खुद को उल्लू बना रहे हो भाई, स्वीकार कीजिए खुद के अंदर कोई कमी है तो मिलके बदलाव करेंगे ना यार, उसमें क्या दिक्कत है, चेंज लाने के लिए तो बैठे हैं यहाँ। बी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। आइए अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें जो किसी ने ना किया हो, जिसके लिए केवल आप बने हो और जो आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, देश में खुद के साथ साथ दुनिया में भी हिंदुस्तान का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Did fix!